हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार अपने चैनल पराग बुटीक पर। तो दोस्तों, आज हम बनाना सिखाएंगे आपको एक इस प्रकार की आस्तीन की डिजाइन। यह देखिए दोस्तों, डोरी और काले कपड़े से पीले कपड़े पर मैचिंग की हुई डिजाइन है। यह डिजाइन कैसे बनाते हैं, चलिए आज हम सीखते हैं हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, यह जो डिजाइन हमने बताई है आपको, उसको आस्तीन पर कैसे बनाते हैं, चलिए हम बताते हैं आपको कि इसको किस प्रकार से बनाना है। यह हमने डोरी का कपड़ा ले लिया है, हमें इसे डोरी बनाना है। हम डोरी कैसे बनाते हैं यह आपको हमने बता दिया था पहले भी, और अभी फिर एक बार बता देते हैं। यह डोरी हमने इस प्रकार से बारीक सिलाई में निकालना है। यह डोरी देखिए हमने निकाल के रखी है पहले से ही, इसे हम अब जल्दी से लगा लेते हैं। डोरी कैसे निकालते हैं हम हमारे वीडियो में बताएंगे आपको, बड़ी आसानी से डोरी निकालना सिखाएंगे। तो यह डोरी निकालना है, अब हम इस आस्तीन की डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। यह हमने यहाँ पर पाइपिंग लगानी है, पाइपिंग के लिए हमने चौड़ा रखा हुआ है। यह देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से हम इसके हटाएंगे और यहाँ पर पाइपिंग बनाएंगे। यह देखिए हम पाइपिंग के कपड़े का जॉइंट लगा लेते हैं, क्योंकि हमें पाइपिंग बनानी है अब आस्तीन पर, जो इसे आपने डिजाइन में देखा हुआ है। इस प्रकार से दोनों ही आस्तीन है, यह सीधी है। तो हमने आपको हर वीडियो में बताया है कि पहले एक निशान लगा ले उल्टे का, फिर यह निशान लगा ले उल्टे का, यह आस्तीन का भी यह निशान लगा ले और इसका भी यह निशान लगा ले। अब हमने चारों टुकड़ों पर निशान लगा लिया है, अब हमारे टुकड़े जो भी बनेंगे सीधे और सही बनेंगे, तो हमें ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम डायरेक्ट पाइपिंग बनाते हैं। यह देखिए इस प्रकार से लगाएंगे हम सिलाई पाइपिंग के लिए। ये अंदर का एक्स्ट्रा कपड़ा काट लीजिए इसी प्रकार। अब यह हमारा दूसरे तरफ का पल्ला, इसको भी हम पाइपिंग लगा लेते पट्टी। यह देखिए यहाँ पर पाइपिंग के लिए हम मोड़ लेते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। यह देखिए दूसरे भी आस्तीन पर लगा लेते हैं हम। यह देखिए हमने लगा ली है सिलाई, इस प्रकार से हमारी आस्तीन की डिजाइन आ जाएगी। देखिए यह अब हमने चारों पल्लों में पाइपिंग बना ली है। यह देखिए इस प्रकार से अब हम बना लेते हैं इसके लिए पट्टी, जो पट्टी हमें डोरी को अटैच करने के काम आएगी। तो हम बनाते हैं पट्टी। पट्टी के लिए हम कपड़ा काटेंगे, यह कुर्ती का ही कपड़ा है। इस कपड़े को हम इस प्रकार से मोड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से मोड़ने के बाद में हम इस पर सिलाई चला लेंगे। यह देखिए दोस्तों, हम इस प्रकार से सिलाई चला लेंगे इसके ऊपर। बड़े ही आराम से सिलाई चलाइए ताकि किनार की आए।
अब इस प्रकार से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, यह जो आस्तीन की डिजाइन है बनाने के लिए हमने जो पाइपिंग लगाई है, पाइपिंग के दो कपड़े ले लीजिए। यह फ्रंट का भाग है जिसमें हमने कुटका लगा के रखा है पहले से ही, और यह बैक का भाग है। तो दोनों ही भाग को एक साथ रख लीजिए और देख लीजिए कि दोनों एक ही तरफ की आस्तीन बन रही है या अलग अलग आस्तीन बन रही है। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, हमें इस पर निशान लगाना होगा। हमारी आस्तीन है ये 15 इंच की, 15 इंच में हम 2 इंच और 1 पॉइंट का एक निशान लगाएंगे। 2 इंच 1 पॉइंट यहाँ पर, एक फर्स्ट पे, फिर सेकंड, फिर इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, फिर से इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से। यह हमें निशान इस तरफ भी उठा लेने हैं, यह इस तरफ नापने की ज़रूरत नहीं है, दूसरी आस्तीन से मिला के लगा लीजिए। यह हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इन पर इस पट्टी को लगाएंगे। पट्टी को हमें लगानी है उतनी ही, सवा इंच करीब कटिंग करनी है। हमने काट लिए हैं, हमें 1 2 3 4 5 6 7 14 टुकड़े एक आस्तीन में लगेंगे। तो हम ये 14 टुकड़ों को इस तरफ रख लेते हैं। अब देखते हैं कि इसे डोरी पर सेट कैसे करेंगे। एक ही तरफ का पल्ला हटा लीजिए, एक तरफ का पल्ला रख लीजिए। हमने यह डोरी को यहाँ निकाल दी है। अब इस डोरी को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे और यहीं से लगाना शुरू करेंगे। यह देखिए, इसी प्रकार से हम इसे लगाते जाएंगे। देखिए, अब यह दूसरी डोरी जिसे हम फिर यहीं पर लगा देंगे। यह देखिए इस प्रकार, अब यह हमने डोरी लगा ली है। अब हमें इसे हटाना है और इस डोरी को फिर से यहाँ पर लगाना है। देखिए हम किस प्रकार से लगा रहे हैं डोरी। अब यह एक इसमें लगानी है हमें, एक डोरी इसमें लगा दी अपन ने और एक डोरी इसमें लगा दी। देखिए दोस्तों, यह हमने लगाना शुरू करी थी डोरी, एक ही साथ हमने लगा दी है इसे। अब यदि आपको नहीं समझ में आती है डोरी लगाना तो हम आपको और वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी हम अब बताते हैं कि इसे अब दूसरी तरफ किस प्रकार से लगा लेंगे आप। तो हम दूसरा वाला जो निशान लगाया था हमने, उस पल्ले को ले लेते हैं। अब क्या होगा दोस्तों, इस डोरी को जिसे हमने छोड़ दिया था उसको इस तरफ लगाना है पहले। देखिए आप, जिस डोरी को हमने छोड़ दिया था उस डोरी को पहले लगाना है और इस प्रकार से फिट लगा दिए। इससे क्या होगा कि यह डोरी में ज़्यादा गैप भी नहीं रहेगा और डोरी सुंदरता से दिखेगी। और यदि हम पट्टी पहले लगा लेते हैं, उसमें से डोरी घुसाते हैं, तो बहुत टाइम भी लगता है और डोरी के अंदर सुंदरता भी नहीं आती है और डिजाइन में भी खूबसूरती नहीं आती है। तो हम इसी प्रकार से आगे भी लगाएंगे। अब यह हमने इस तरफ खींची और यह नीचे वाली डोरी को फिर पकड़े अपन लोग और इस तरफ इसे लगा दें। देखिए, बड़ी आसानी से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हम किस प्रकार से लगा रहे हैं। अब फिर इस डोरी को पकड़ लीजिए जिसे हमने पहली बार में छोड़ा है। यह देखिए, यह इस प्रकार से बड़ी आसानी से और बड़ी सुंदरता के साथ डोरी लग जाती है।
और टाइम भी कम लगता है इस तरीके से बनाने में। यह देखिए, अब यह देखिए, ये भी लगा दिए हमने। और इस डोरी को भी अब ये जो लास्ट में नीचे वाली बची थी उसको भी हमने इसी तरह से लगा लिया है। यह देखिए, बड़ी आसानी से लग जाती है डिजाइन। यह डोरी नीचे खींच लीजिए और जितनी ही आपको दूर तक इसे ले जाना है इसे उस प्रकार से बना दीजिए। यह देखिए कितनी सुंदरता से बन गई है डोरी। अब हम इसमें लगा लेते हैं आगे तरफ पाइपिंग। यहाँ पर हम लगाएंगे पाइपिंग, तो बताते हैं कि इसमें भी पाइपिंग किस प्रकार से लगाई जाती है। तो ये हमने पाइपिंग का कपड़ा यहाँ जॉइंट कर लिया है। अब जॉइंट करने के बाद में हमें इसे भी पलटाना है जिस तरह से हम पाइपिंग पलटाते हैं। यह देखिए, इसे इस तरफ हटा लीजिए। यह देखिए, इस प्रकार से इसे भी मोड़ लीजिए। यह देखिए साथियों, यह डिजाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम मोती डाल देते हैं। इस प्रकार से हम इसमें मोती डालेंगे एक, इसी प्रकार से मोती डालेंगे दो। अब ये दो मोती डालने के बाद हम इसे बना देंगे आगे एक सुंदर सा डिजाइन इस प्रकार से। ये मोड़ देंगे हम इस प्रकार से। इस प्रकार से जो कपड़ा बाहर निकल रहा है उसे काट दीजिए ताकि धागे बाहर ना दिखे। यह देखिए, बड़ा ही सुंदर डिजाइन बन जाता है। इस प्रकार से डोरी में भी हम डाल देंगे। इस प्रकार से और इस तरफ भी हम ये लगा देंगे। सुंदर सा डिजाइन है यह, डोरी के कोने पर बहुत सुंदर लगता है। यह देख लीजिए, यह बना दिए थे। और इसी प्रकार से हम दूसरी आस्तीन भी बना लेते हैं। यहाँ पर इस पर टाकी पहले ही मार लीजिए ताकि ये बाहर ना निकले। टाकी मारने के लिए इस टाकी को इस तरफ और इस डोरी को इस तरफ, यह देखिए इस प्रकार से, और इसको इस प्रकार से इस तरफ। यह देखिए दोस्त, अब हम दूसरी आस्तीन भी बना लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए साथियों, तो हमने अब दोनों आस्तीनों को कंप्लीट पूरा कर लिया है। यह देखिए, यह डिजाइन कैसी लग रही है आपको, हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य बताइए। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथियों बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए ताकि हमारे जब भी नया वीडियो डले तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ये दोनों डिजाइन बना दी है कंप्लीट। और साथियों, हम हमारे हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया बताते हैं, तो इसीलिए हमारे वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।